राजस्थान विधानसभा का सत्र बुलाने को लेकर राज्यपाल कलराज मिश्र और अशोक गहलोत सरकार के बीच पिछले 12 दिन से चल रहा टकराव अब खत्म। एक हफ्ते में दूसरी बार 50,000 से ज्यादा मामले, ठीक होने वालों का आंकड़ा 10 लाख के पार, देश में अब तक 15.84 लाख केस। रोहतक जिले के महम में भतीजे ने चाचा को उतारा मौत के घाट, गड्ढे में दबा मिला शव, 3 आरोपी गिरफ्तार। चरखी दादरी के कई गांव में टिड्डी दल का हमला, तीसरी बार बनाया फसलों को निशाना। हरियाणा में मानसून फिर मेहरबान, अगले 3 दिन कई जिलों में होंगी बारिश। हिमाचल में मूसलाधार बारिश, नदी नाले उफान पर, जनजीवन अस्त व्यस्त। पंजाब को खालिस्तान बनाने के दावे कर रहा गुरपंत वन सिंह पन्नू ने वीरवार को कनाडा में भारत का राष्ट्रीय ध्वज जलाकर एक अन्य बड़ी घोषणा कर दी। सीबीडीटी ने बढ़ाई आयकर रिटर्न भरने की तारीख, अब 30 सितंबर तक भर सकते हैं आईटीआर। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।